ये कालनेमी कहते हैं कि उन्हें निमंत्रण मिलेगा तो वो जरूर जाएंगे। जब निमंत्रण मिलता है तो कहते हैं कि उनके भगवान तो पीडीए अलायंस हैं। पीडीए अलायंस, हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं थे कि उन्हें भाजपा द्वारा अगर राम मंदिर में जाने का निमंत्रण मिलता है तो जरूर जाएंगे। जब उन्हें निमंत्रण दिया जाता है विश्व हिंदू परिषद द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उनके घर जाते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं, तो वो निमंत्रण लेने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं उनके भगवान तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, भाव करता है, वो 2024 की तैयारी कर रहा है। तो भैया, ममता बनर्जी को राम मंदिर से क्यों इतनी नफरत हो रही है? इनको राम से क्यों पीड़ा है? क्यों राम से इतनी अथक पीड़ा की कहानी ममता बनर्जी के जिस्म से निकलते जा रही है? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सियाराम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस जनमानस समाचार के एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे जैसे राम मंदिर की स्थापना के दिन निकट आ रहे हैं, हमारे देश में बैठे कालनेमियों के दिलों में नफरतों की जो सैलाब है वो उमड़ते जा रहे हैं। कभी ये कालनेमी कहते हैं कि उन्हें निमंत्रण मिलेगा तो वो जरूर जाएंगे। जब निमंत्रण मिलता है तो कहते हैं कि उनके भगवान तो पीडीए अलायंस हैं। पीडीए अलायंस, हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कहते हैं थे कि उन्हें भाजपा द्वारा अगर राम मंदिर में जाने का निमंत्रण मिलता है तो जरूर जाएंगे। जब उन्हें निमंत्रण दिया जाता है विश्व हिंदू परिषद द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता उनके घर जाते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं, तो वो निमंत्रण लेने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं उनके भगवान तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, पीडीए उनके भगवान है, तो राम मंदिर की स्थापना में वो क्यों जाएंगे? वो कहते हैं कि वो किसी अनजान आदमी से कोई निमंत्रण नहीं लेते, ना अनजान को देते हैं निमंत्रण, ना अनजान से लेते हैं निमंत्रण। ऐसी बातें, ऐसे शोर से खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव ने इस तरह की बातें की हैं। ये सब बातें इस बात का इशारा करती हैं, इस बात की ओर हमें सोचने को मजबूर करती हैं कि राम तो सबके हैं। कहते हैं कि भारत में हर मानव में सीता है, हर पुरुष में राम है, हर स्त्री में सीता है, भारत के जनमानस में राम है, मगर राम से नफरत है। राम से नफरत कितना ज़्यादा गतिशील है। इस समय देश भर में अक्षत कलश घूम रहे हैं, जगह जगह अक्षत दिए जा रहे हैं लोगों को, जो अयोध्या से चली है, लोग इसके फलक फावड़े भिजाए स्वागत कर रहे हैं और लोग ये बातें कर रहे हैं कि घर घर अक्षत पात्र जा रहा है, उन्हें अक्षत पात्र दिया जा रहा है, लोग सहस स्वीकार कर रहे हैं। और कुछ कहानियाँ तो ऐसी भी हैं कि एक सोसाइटी में अक्षय पात्र देने के लिए गया तो कांग्रेस के एक नेता थे, उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया, सोसाइटी से ही खदेड़ दिया गया, और कांग्रेस के नेता ने अक्षय पात्र जो अयोध्या से आया है उसे लेने से अस्वीकार कर दिया। मतलब इनकी धार्मिक भावनाएं भी अब भड़कने लगी हैं। ये राम जो न कराए, कहते हैं राम के बिना दुनिया नहीं चलती है और राम के बिना कुछ होता भी नहीं है। कुछ लोग राम के स्वागत में लगे हुए हैं और कुछ को राम के स्वागत से ऐसी पीड़ा है, ऐसी अथक पीड़ा है कि राम नाम भी उनके लिए एक पीड़ा का स्रोत हो गया है। अब भैया, राम तो आने वाले हैं, 22 जनवरी दिन फिक्स है और पूरे देश भर में राम स्थापना को लेकर, राम मंदिर की स्थापना को लेकर चर्चाएं हैं, चाहे आम हो चाहे खास हो, हर कोई राम की आगमन की बातें कर रहा है। परिवर्तन का नज़ारा तो ये है, परिवर्तन की कहानी तो ये है कि जगह जगह संगीत बनाए जा रहे हैं, गाने बनाए जा रहे हैं, एक से एक आपको इस समय देखने को मिलेगा कि जो लोकल कलाकार हैं या फिर राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, राम भगवान की महिमा पर एक से एक संगीत आ रहे हैं जो लोक लुभावन भी हैं और कर्णप्रिय भी हैं, अच्छे लग रहे हैं सुनने में। मगर राजनीतिक घराने में बात करें, राजनीतिक महकमे में बात करें
तो राम नाम की पीड़ा इन्हें अथक पीड़ा की कहानी बनती ही जा रही है। अब हम बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री साहिबा मोमिन बनर्जी, या कहें ममता बनर्जी कहती हैं कि राम के नाम पर सियासत की जा रही है, राम के नाम पर राजनीति की जा रही है। ये 2024 को अभित में रखकर राम मंदिर को साधने की कोशिश की जा रही है और कहते हैं कि राम मंदिर की स्थापना में पिछड़ों को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। पिछड़ा कहने का मतलब हमारे दलित समाज नहीं है, आदिवासी समाज नहीं है, इन अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है। अब भाई, जिनकी आस्था ही राम में नहीं है उनको क्यों शामिल किया जाए, जिनकी आस्था ही राम में नजर नहीं आती है उन्हें क्यों शामिल किया जाए। अगर मान लीजिए जिनको राम में आस्था है, जो राम में शिरकत करना चाहते हैं, वो आ भी रहे हैं तो उन्हें कोई हटा नहीं रहा है। ममता बनर्जी जी, जरा आप देख लीजिए, बनारस में कुछ मुस्लिम महिलाओं ने सरयू का जल लेने के लिए बनारस से चली हैं और राम की नाम की पताका भी फैला रही हैं। वो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो हम बात करें, जो हमारे चालीसा वगैरह है उनका उर्दू में अनुवाद किया है, हमारे धार्मिक ग्रंथों का भी उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया है, रामचरितमानस का उन्होंने उर्दू में अनुवाद किया है, वो स्कॉलर महिलाएं हैं, कभी इनको तो देखिए। लेकिन ममता बनर्जी की पीड़ा तो जग जाहिर है। वो कहती है कि हम तो सबको मानता है, हम अल्लाह को भी मानता है, हम भगवान को भी मानता है। तो ममता बनर्जी का जो चरित्र है यहाँ पे, वो बखूबी तरह से चरित्र चित्रण होता नजर आ रहा है। तुम सबको बुलाया तो हमारा अल्पसंख्यक को क्यों नहीं बुलाया। भैया, जिनको आस्था रहेगा वो स्वयं आएंगे, किसी को यहाँ मना नहीं किया गया कि आपको राम मंदिर में आना है या फिर राम मंदिर में नहीं आना है। मतलब इंडी अलायंस के जो भी घटक दल हैं, इंडी अलायंस के जो भी साझेदार हैं, उन्हें सारी पीड़ा राम मंदिर की है। उन्हें पता है कि राम जो न कराए, अगर ये राम मंदिर की स्थापना है, आने वाले चुनाव में उनके दाल नहीं गलने वाले हैं, उनकी दाल जो है वो बासी होने वाली है, उनकी दाल खराब होने वाली है। 2024 के इलेक्शन में ममता बनर्जी को इन बातों का पता चल गया है। ममता बनर्जी को इस बात का डर है, जो सनातनी है, बंगाल से भी बहुत सनातनी बाहर निकल रहे हैं। बंगाल के हालात ऐसे हैं कि कुछ युवा लड़के हैं जो साइकिल से सवार होकर बंगाल से अयोध्या की ओर जा रहे हैं, ऐसी कहानियां भी सामने आई। और ये दिखाती है कि बंगाल में लोग कितना ज़्यादा भगवान के मंदिर की स्थापना को लेकर कितना ज़्यादा अधीर हुए जा रहे हैं। बंगाल में जगह जगह मैंने कई खबरें देखी है कि बंगाल में जब अक्षत जगह जगह गया है, वो उसको लेने के लिए कितना ज़्यादा आतुर नजर आए हैं। बंगाल में भी हमारे धर्म की स्थापना को लेकर, हमारे धर्म को लेकर लोगों में आस्था में कोई कमी नहीं है। मगर ममता बनर्जी का जो तुष्टिकरण खेला है, वो ममता बनर्जी को लगता है ममता बनर्जी को नुकसान पहुँचाने वाला है। ममता बनर्जी कहते हैं हम तो कभी भेदभाव नहीं किया है। भैया, खुद देख लीजिए, जिस पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर ममता बनर्जी की दो धारी तलवार वाली नीति नजर आती थी, जिस पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि एक अमुक धर्म के त्यौहार को लेकर वो छूट देती है और दुर्गा पूजा वगैरह होता है तो उसको लेकर कैसे उनकी भौहें जो हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। एक बार की बात है, मुझे याद है कि दुर्गा पूजा और एक मुस्लिम समाज का एक त्यौहार साथ साथ पड़ा था, तो उस मुस्लिम त्यौहार को देखते हुए उन्होंने दुर्गा पूजा में एक दिन पहले ही विसर्जन का डेट की घोषणा कर दी थी। उसके बाद काफ़ी बवाल मचा था, सनातनियों ने काफ़ी बवाल मचाया था पश्चिम बंगाल में, तो उन्होंने निर्णय वापस ले लिया था। पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम समुदाय हैं उनको ममता बनर्जी ने इतनी छूट देकर रखी है, उसको लेकर वो कुछ बोलते नजर नहीं आती। पश्चिम बंगाल में आप खुद देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में एक शाहजहां नाम का टीएमसी का नेता है जो जन वितरण में घोटाला करता है, उसको लेकर ममता बनर्जी सपोर्ट में आ जाती हैं। पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी जो इनका नेता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड पे करोड़ों रुपए लुटाता है, बाथरूम में पैसे जो है दीवार में जमा कर रखता है वो। तो कितने घोटाले हैं, कितनी कहानियां है। कोयला घोटाला में खुद इनका जो
भतीजा है, खुद वो कोयला घोटाले में लिप्त है, खुद कोयले की घोटाली में वो सना हुआ है, कोयले के घोटालों से रमा हुआ है, उसकी बीवी भी है कोयले घोटाले में रमी हुई है। ये सब बातें साफ साफ नजर आ रही हैं। मतलब ईडी का जो चक्रव्यूह है उसे ममता फंस गई है, इस चक्रव्यूह से ना वो निकल पा रही हैं, ना निकलने का कोई रास्ता उन्हें दिख रहा है। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमले हुए हैं, ममता बनर्जी चौतरफा घिर रही हैं, तो उनको नज़र आता है कि क्यों ना तुष्टिकरण का खेल खेला जाए, क्यों ना तुष्टिकरण से अपने आप को सुलझाया जाए, तुष्टिकरण से अपनी कहानी को और ज़्यादा हरा भरा और जीवंत किया जाए। इन्हीं तुष्टिकरण को देखते हुए ममता बनर्जी कह रही हैं कि भैया हमारा भगवान भी है, हमारा तो अल्लाह भी है। ये बात नहीं है कि ममता बनर्जी ये बातें जो है ऐसे अनायास बोल रही हैं। हमने ममता बनर्जी को नमाज पढ़ते भी देखा है, ममता बनर्जी मस्जिद भी जाती है, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री साहिबा है, सबको साथ लेकर चलना चाहिए, मगर सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करना ममता बनर्जी के लिए आम बात हो गई है। पश्चिम बंगाल का जो डेमोग्राफी चेंज है, पश्चिम बंगाल जिस तरह से एक धर्मांतरण की कहानी नज़र आती है, पश्चिम बंगाल जिस तरह से सनातनियों पर हमले होते हैं, पश्चिम बंगाल जिस तरह से बांग्लादेशी ढकिया घुस गए हैं, वहाँ के डेमोग्राफी में अमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं, और सनातनियों के घर में जिस तरह से हमले होते हैं, सनातनियों के घर को जिस तरह से उजाड़ा जाता है। अब पश्चिम बंगाल में कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहाँ पर हिंदू अपने त्योहारों को भी रजगज से मना नहीं सकते हैं, उनके साथ जो जाति होती है, तो ममता बनर्जी को ये सब चीज़ें कहानियाँ नज़र नहीं आती है। कैसे बांग्लादेशी को आधार कार्ड बना दिया जाता है, कैसे बंगालियों का वोटर कार्ड बना दिया जाता है, कैसे बंगालियों को जो हिंदी बंगाली हैं, जो हिंदी बोलने वाले हैं, जो भारतवंशी हैं, कैसे उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, ये सारी कहानी साफ साफ नज़र आती है, कोई बताने की बात नहीं है। और ये जो इनके अल्पसंख्यक वोट बैंक वाले जो नेता हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं, कैसे एक तुष्टिकरण का खेल खेलते हैं, ममता बनर्जी इसके बारे में बात तो नहीं करना चाहती हैं। और जब इनकी जो पूरी जो इनकी जो तुष्टिकरण की खेल जब जर्रा जर्रा एक्सपोज होता नजर आता है, तो ममता बनर्जी कहते हैं हमारा तो अल्लाह भी है, हमारा तो भगवान भी है, और भाजपा जो है वो भेदभाव करता है, वो 2024 की तैयारी कर रहा है। तो भैया ममता बनर्जी को राम मंदिर से क्यों इतनी नफरत हो रही है, इनको राम से क्यों पीड़ा है, क्यों राम से इतनी अथक पीड़ा की कहानी ममता बनर्जी के जिस्म से निकलते जा रही है, क्यों ममता बनर्जी इसको लेकर परेशान होती जा रही हैं। अब जिस तरह से अक्षत पात्र जगह जगह जा रहे हैं, लोगों में कई पीड़ा है, कई अक्षय पात्र लेकर गुजरने वाले लोगों को शायद मारपीट कर रहे हैं, कई अक्षय पात्र किसी सोसाइटी में जा रहा है, वो कांग्रेस का नेता वहां रहता है तो वो अक्षय पात्र ले जाने वालों को सोसाइटी से बाहर कर देता है, कहीं अगर राम के बारे में कोई सवाल पूछ लो तो राम को वो कल्पनातीत कहता है। अभी भी कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। क्या राम का नाम ही सेकुलरिज्म के खिलाफ है? क्या राम नाम, क्या राम भगवान जो हैं कोई अरब मुल्क से उड़कर आए थे, कोई अरब मुल्क में ऊँट में बैठकर मुंह में मिसवाक दबाकर वो ऊँट पर घूमते हुए चढ़ते हुए क्या भारत आए थे? भैया राम तो भारत की मिट्टी में है, भारत के जनमानस में है, भारत की जलवायु में है। हम सनातनी तो अगर किसी को अभिवादन भी करते हैं तो राम नाम के साथ करते हैं। अगर कोई सनातनी जिंदगी से दूर चला जाता है, उसकी आखिरी शव यात्रा निकलती है, तो उसमें भी राम नाम होता है। तो राम नाम से ये नफरत क्यों है? ये दिखाता है 70 साल से जो राम नाम से घृणा थी, 70 साल में जो राम नाम से पीड़ा थी, 70 साल में जो राम से व्यथा जो इन्हें थी, जो नेहरू के दौर से शुरू हुई, जो राम को लेकर राम मंदिर को लेकर नेहरू सोचते थे, अगर वो सनातन धर्म हिंदुओं की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग जो उन्हें जो वर्ल्ड वाइड लोग हैं उन्हें सोचेंगे कि वो सेकुलर नहीं है, वो हिंदुत्ववादी हो गए हैं। और नेहरू को इस बात की पीड़ा थी कि जो लोग पाकिस्तान से आए हैं, जो मुस्लिम हैं और अल्पसंख्यक हैं, उन्होंने धर्म के नाम पर भारत का विभाजन कर लिया है, और उन पर हमेशा ये बातों का लाभ प्रलाप लगता रहा है कि इनके ही बाप दादा चचा ने भारत के विभाजन की रूपरेखा लिखी थी, विभाजन की रेखा खींची थी, तो उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्हें इस तरह की कोई बात बोले।
भले ही इस देश में सनातनी हिंदू थे, लेकिन नेहरू की जो दिल और दिमाग और गुर्दा है वो हमेशा अल्पसंख्यकों को लेकर रहती थी। क्योंकि जब हमारे सरदार पटेल ने नींव रखा था सोमनाथ मंदिर का, तो नेहरू इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कहीं ये इस देश में रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय हैं, कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं है। इन्हीं बातों को देखते हुए हमारे सरदार पटेल ने जो गुजरात में जो सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का नींव रखा, वो नेहरू से इन बातों को बहुत दूर रखा। ये सारी कहानी ममता बनर्जी के साथ भी नजर आती है। ममता बनर्जी वो शख्स हैं जो इमामों को, मस्जिद के इमामों को पेंशन देती हैं, और कोई मंदिर का आज तक ममता बनर्जी ने जीर्णोद्धार नहीं कराया है। बंगाल में भी कई मंदिरों को आग लगा दिए गए हैं, कई सनातनी जो घर हैं उनको तोड़ा गया है, कई सनातनियों के साथ जाति हुई है, कईयों के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। उस पर ममता बनर्जी कभी कुछ नहीं बोलती हैं। वो एक अल्पसंख्यक पीड़ा की कहानी का रंज जो मलाल जो है वो साफ साफ नज़र आता है। यही बात अखिलेश भैया के साथ भी है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्या जो पिछड़ा दलित है क्या उसके राम नहीं है? जाके देख लीजिए अखिलेश भैया, ये जो पूरे जो अक्षय पात्र जो जगह जा रहे हैं, जो लोगों में वितरण किए जा रहे हैं, उसमें पिछड़ा और आदिवासी समुदाय के लोग भी शामिल हैं। रही बात वो आदिवासी जो क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गए हैं, जो कहते हैं राम तो मांस खाते थे, वो कहते हैं कि राम तो फराना थे, राम तो ढिमकाना थे, जो कोई परोक्ष या अपरोक्ष तरीके से किसी न किसी तरीके से सनातन विरोध की रूपरेखा, सनातन की कहानी को रचा गढ़ा है, उनके लिए पीड़ा हो सकती है, उनके लिए दर्द हो सकती है, उनके लिए दर्द और मवाद वाली बात हो सकती है, उनके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात है इस तरह की बातें कर रही हैं, कम से कम उस सोए हुए सनातनी को वो जगाने की बात कर रही हैं। रही बात पश्चिम बंगाल की, तो भैया मैं कई पश्चिम बंगाल के लोगों से मिला हूँ जो अभी भी सनातनी है, जो अपने धर्म को लेकर, अपनी पद्धति को लेकर, अपने सनातन रीति रिवाजों को लेकर, अपने मंदिरों की जागृति को लेकर आज भी वो अपनी सोच है उसको जागृत किए हुए हैं, और सनातन के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए वो लालायित है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। अगर हमारा कोई एपिसोड है तो इंटरनेट पर आता है तो उसका प्रत्यक्ष नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जाते जाते इतना ही कहूँगा, ममता बनर्जी को लग गया है कि राम मंदिर से का जो उपजा हुआ जो सुनामी है, कहीं ना कहीं उनके किले को भी वो ध्वस्त कर देगा। ये पीड़ा राम की नहीं है, ये वोट की पीड़ा है। खैर, राम से तो ममता बनर्जी को क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन राम के नाम का अलाप करना ममता बनर्जी और कालनेमी और को तो कहीं ना कहीं वो नुकसान तो पहुंचा ही सकता है। तो फिर मिलते हैं, जय श्री राम।